दोस्तों, नवरात्र शुरू हो गए। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, ठीक है। और आप लोग से हर नवरात्र में मैं ये एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ ना, नवरात्र में काफ़ी जानवरों की जान बच जाती है। क्यों? क्योंकि जरा सा भगवान का डर रहता है कि नवरात्र में मीट मांस वगैरह नहीं खाना। जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जाती है कि उस समय दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जो चटोरे होते हैं, जो मीट मांस के भक्षण होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो मीट मांस से तो खाने के लिए बिल्कुल लालच रहते हैं जी, ठीक है। वो करते हैं 9 दिन जय दुर्गा करते हैं, 10वें दिन देवमुर्गा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि मेहरबानी करके इस बार जरा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो आप लोग, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और जो है मांस खा के पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, ठीक है। वो खाना हम छोड़ देते हैं जिसमें एक बाल है, वो अंडा हम क्यों खाते हैं जिसमें किसी माँ का लाल है, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना ऐसी मांसाहारी प्रवृत्ति की मत खाओ यार, ठीक है। घास लोग बोलते हैं कि फसल में भी तो जान होती है, फसल में जान होती है, लेकिन वो तड़पती नहीं, रोती नहीं, चिल्लाती नहीं है मेरे भाई। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और आपसे हाथ जोड़ के विनर भी निवेदन है इस बार से जो है वीगन बने, ठीक है। और नॉनवेज को हमेशा के लिए त्याग दें, ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रि के दिनों तक ही, ये ठीक है। उत्तराखंड के भाइयों के लिए स्पेशल तौर पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड के भाइयों के लिए प्लीज़ मेहरबानी करके 99% सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति बहुत प्रचलन है ना, ये जो है नॉनवेज का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉनवेज खिला खिला के वहाँ के दुकानदारों को तुम लोगों ने अरबपति करोड़पति बना दिया है, और खुद रोडपति बनने में उतारू हो, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन मीट ऑथराइज है, तो ये गलत बात है, ठीक है। उसको भी जीने का हक है यार, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। नवरात्र में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 9 दिन तो जानवर की जान बच जाएगी, उसके बाद क्या, उसके बाद डबल स्टैंड में मुर्गा काटा जाएगा। जो एक पाव मीट लेता था वो आधा किलो मीट लेगा, क्योंकि पूरी भड़ास निकालेगा वो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। तो वो है बात वहीं पे आ जाती है, घूम के जानवर उतने ही कटने हैं जितने अभी पहले से ही कटते आए हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा ही कटेंगे क्योंकि लोगों की भूख बढ़ चुकी होगी 9 दिन में, ठीक है। तो ऐसे हिंदू भाइयों से मेरी आग्रह है ना, तो आप जो गौ माता के नाम पे कसम खाओ, और जो है नॉनवेज को हमेशा के लिए गुडबाय करो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। मानवता इंसानियत के नाते, ठीक है, भगवान ने उनको भी जो है दुनिया में जीने के लिए भेजा है। अगर आप व्रत ले रहे हो, सब पूरे पूजा का पाठ कर रहे हो, सब बेकार हुआ है तुम्हारा। अगर आप मांस खा के, ठीक है, किसी जीव की हत्या करके उसको अपने पेट में ठूस लेते हो, और मांस, और ये हमारा शरीर जो बना हुआ है ना, ये मांस खाने के लिए नहीं बना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।